लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। द्वारका सेक्टर 12 के फिटजी सेंटर पर माई पेट टैब के बारे में विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स को जानकारी दी। आइए बात करते हैं फिटजी के डायरेक्टर अंकुर जैन, विनोद और उदयजीत से। वो ग्रीन होंगे तो अब स्ट्रेस फ्री कैसे होगा? नंबर वन, यहाँ पर ये मान लीजिए चार टॉपिक्स हैं जो कि आज एग्जाम का सिलेबस है। जो ग्रीन है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है। जो येलो है थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। जो रेड है इनका मतलब इन टॉपिक्स पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। ये एक इसका इमीडिएट जो है मतलब वो बन गया ये। लेकिन हमारी एक जो है असाइनमेंट्स एप्लीकेशन है। इसी तरह से जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो ये एग्जाम से पहले बताएंगी कि इसमें आपको ये टॉपिक्स में आज ये चीजें रिवाइज कर दीजिए। देखिए ये टैब तो एक नॉर्मल टैब है जो कि आप किसी भी मार्केट सैमसंग टैब या नो टैब के उसमें देख सकते हैं। बट इस टैब में कंट्रोल तरीके से बच्चों को असाइनमेंट्स जो बच्चे करते हैं वो डिजिटली तरीके से दी गई हैं, ताकि वो लोग जब असाइनमेंट्स करें तो टीचर को रिमोटली मालूम चलता रहे कि उन्होंने असाइनमेंट्स की, सही की, गलत की, किन एरियाज़ में वो गलती कर रहे हैं, ताकि पढ़ाते हुए वो इस चीज़ का ख्याल रख सकें कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, उनको गाइड कर सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाही होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो पूछते नहीं हैं क्लास में। अब टीचर को बच्चे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हें समझ में आया नहीं आया, वो डायरेक्टली बच्चे की असाइनमेंट्स के बेसिस पर जज करके बच्चों को गाइड कर पाएंगे। तो हम इससे उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। सर, ये स्ट्रेस फ्री किस तरह से होगा बच्चों को? देखिए स्ट्रेस कहाँ से आता है बच्चों को, मेजर हम ये समझें। जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले अगर बच्चों को प्रिपरेशन नहीं है या उनको ये पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, कल एग्ज़ाम में क्या होगा, मेरे वीक एरियाज़ क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, तो कन्फ्यूज़ होकर बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं। हम इस टैब के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ये गेज करते रहेंगे कि बच्चों के वीकर एरियाज़ क्या हैं। पहली बात तो जब पढ़ाई चल रही होगी उसी टाइम पर ही टीचर ने ध्यान देते हुए कि ये बच्चे के वीकर एरियाज़ हैं उनको कवर करा दिया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को ये बात बताएंगे कि भाई ये वीकर एरियाज़ हैं, आप इन पर रिवाइज़ कर लो, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है, ये सब चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, तो एजुकेशन स्ट्रेस फ्री होगी इस तरीके से। अंकुर जी, ये जो टैब बना है मतलब ये बेसिकली सब IIT की फिटजी के स्टूडेंट? हाँ, मतलब फिटजी का अगर आप देखें तो फिटजी इज़ अ फोरम फॉर IIT JEE। हमारा प्राइमरी फोकस तो IIT JEE ही है, लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि स्कूल की जो बच्चों की प्रिपरेशन है और IIT की प्रिपरेशन है उसके गैप को हम कम करें। ये हमारा एक अगला कदम होगा जो कि इस गैप को और कम करेगा। और बच्चों को इसमें जब हम असाइनमेंट्स देखते हैं तो सिर्फ IIT की ही नहीं है, और स्कूल्स की भी है, JEE मेन की भी है, JEE एडवांस की भी है, तो ओवरऑल बच्चों को हेल्प करेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और IIT की प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। ये माई पैट टैब है। माई पैट जो है वो माई प्रैक्टिस एंड टेस्ट के नाम से जो है एक एडफोरा का प्रोडक्ट है। इस टैब का नाम तो माई पैट टैब ही है, हमने नाम के ऊपर उतना फोकस नहीं किया है। बाकी मेजर जो पर्पज़ है हमारा इसका यही है कि हम डिजिटल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बच्चों में होने वाले बदलाव को, बच्चों में होने वाले डेवलपमेंट्स को मैथमेटिकली गेज कर सकें और उसको बच्चों को हेल्प कर सकें उससे इम्प्रूव करने। टीचर क्लास में तो पढ़ा सकता है, क्लास के बाद का जो टाइम है वो बच्चे को नहीं पता होता कि वो कैसे यूज करे। तो माईपैड हर उसके टाइम को यूटिलाइज करने का एक सबसे आसान तरीका है। बच्चों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चलते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाना है, तो हर स्टेप में बच्चे को माईपैड गाइड कर रहा है और उसके थ्रू बच्चा ये समझ पा रहा है कि मैं कहाँ पर सही हूँ, कहाँ पर गलत हूँ, कितना स्टेप मुझे और आगे जाना है, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है और कहाँ पर मुझे गाइडेंस चाहिए, क्लासरूम में मुझे गाइडेंस कहाँ चाहिए। यहाँ भी माईपैड हेल्प कर रहा है क्योंकि माईपैड उसको एनालिसिस दे रहा है कि क्या चीज़ में वो अटक रहा है। तो वो टीचर से भी हेल्प लेने के लिए बच्चा अब ज़्यादा मोटिवेट होगा कि उसे पता है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या कर पा रहा हूँ। सर, ये माईपैड का जो कंट्रोलिंग पेट का टोटल 100% कंट्रोल टीचर्स के हाथ में रहेगा, फिटजी के टीचर्स के हाथ में रहेगा। एंड हमारी एक टेक्नोलॉजिकल टीम है, वो टीचर्स की हेल्प से उस चीज़ को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेगी कि बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। माईपैड में
कोई ब्रोजर हम दे ही नहीं रहे बच्चे को कि जहाँ पर उसका माइंड डाइवर्ट हो सके या किसी और डायरेक्शन में वो जा सके, क्योंकि गूगल एसेस बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन टेक्नोलॉजी में गूगल में बच्चा कहीं भी खो सकता है। वी नो बच्चे के लिए क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, तो जितने बच्चे की जितनी सारी ज़रूरत है हमारे टीचिंग जितना भी रिसर्च वर्क हम लोगों ने किया हुआ है दैट विल बी अवेलेबल ऑन माई पेट। इसके अलावा और कुछ माई पेट पे अवेलेबल नहीं होगा। मतलब लक्ष्य से बिल्कुल हम लक्ष्य भी निर्धारित कर रहे हैं, रास्ता भी निर्धारित कर रहे हैं और रास्ते से फिर मंजिल पर बच्चा कैसे पहुँचेगा उसमें हम गाइड भी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लस क्लासरूम एक टोटल कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा कि बच्चे को रास्ता भटकने का कोई गुंजाइश नहीं होगी। उदित जी, क्या है माईपैड और आपने लॉन्च किया है, इसमें क्या खास बात का ध्यान? हमने 3 साल पहले शुरू किया था फिटजी के साथ, काफ़ी एकेडमिक इंसाइट्स मिली। हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और हमारा गोल एक है बच्चे का लर्निंग और असेसमेंट के थ्रू परफॉर्मेंस बेहतरीन कर देने का। और ये एक एप्लीकेशन ऐसा है ना जो सब बच्चों के लिए है, अभी टॉपर्स के लिए भी है, मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए भी है, वीक स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ टॉप बच्चों को ये हेल्प करेगा, सब बच्चों को पर्सनलाइजेशन के थ्रू एग्जैक्टली पिन पॉइंट करता है कि हर बच्चे में क्या कमी है, टीचर उसको ट्रैक करता है। और क्योंकि यहाँ पर फिटजी में बैचेस बड़े नहीं होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है टीचर के लिए अपने बच्चों को असाइनमेंट्स दे के राइट वीकनेसेस को पिन पॉइंट करके उनकी राइट रेमेडीज देने का, और इससे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं 2018 की बात करूँ तो जेई एडवांस के अंदर टोटल, जैसा कि अंकुर जी ने बताया, 10,000 से 12,000 बच्चे IIT में प्रवेश करते हैं, एंट्रेंस पाते हैं। तो मानिए हर 3 में से एक बच्चा जो IIT में गया वो माईपैड का सुपर। तो इसकी जो पूरी कोर फिलॉसफी है पर्सनलाइजेशन की वो बहुत बहुत अच्छी है और बच्चों को बहुत मदद करती है। इसकी हमारी एक बहुत बेहतरीन टैगलाइन भी है, हम कहते हैं माईपैड इज एवरीवन्स पर्सनलाइज्ड गुरु। तो हर बच्चे के लिए जब जहाँ जैसी ज़रूरत हो वो वहाँ पर उसको वैसा कंसेप्ट प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इससे हम हर बच्चे को IIT में होने वाले कोर्स के अंदर जितने भी कंसेप्ट आते हैं ना उसके विपरीत उसकी कंसेप्ट प्रोफिशिएंसी को माप देते हैं और टीचर्स को वो डेटा अवेलेबल करवाते हैं और फिर कंप्यूटर सिस्टम ही टीचर्स को एक्सप्लेन करता है कि आगे आप क्या और कर सकते हैं हर बच्चे। सैमसंग है, कोई लिनोवो लिया है, सबका अलग अलग अजात तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।